हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। माई सेल्फ व्यास भूमिका। टुडे आई विल टीच यू स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज पार्ट 2। इन प्रीवियस वीडियो वी वेर वॉच चैप्टर 12 एक्सरसाइज पार्ट 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक, टेक अ पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग एक्सरसाइज 2 इन योर नोटबुक। In this part, first question is write the division in the form of repetitive subtraction as shown in the example below. मतलब हमें यहाँ पे division form को repetitive subtraction में दिखाना है। यहाँ पे example के तौर पे दिया हुआ है। Let's see example. 10 divided by 2 is equal to 5. Hence 2 can be subtracted 5 times from 10. मतलब कि 2 को हम 10 में से 5 times subtract कर सकते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका इजी वे मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, पहले हैंस लिखना है, उसके बाद आपने देखा कि डिवाइड बाय 2 है तो 2 को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, फिर जो इक्वल टू के राइट साइड में जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख के, फिर टाइम्स फ्रॉम जिससे हमने डिवाइड किया है वो लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 10 है। नंबर 1, 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। मतलब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। हैंस 5 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 15। इसका मतलब है कि 5 को हम 15 में से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया, इसमें हम 5 कैन बी, तो 5 को लिखेंगे, फिर कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, 3 टाइम्स, और किसमें से करना है, 15 में से, तो लास्ट में आएगा 15। लेट्स सी नंबर 2। 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7। मतलब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 7। हैंस 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 7 टाइम्स फ्रॉम 14। इसका मतलब है कि 2 को हम 14 में से 7 टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, कितने टाइम करना है, 7 टाइम, और किसमें से करना है, 14 में से। तो हम ऐसा लिखेंगे, या तो मैंने लिखा हुआ है हैंस 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 7 टाइम्स फ्रॉम 14। लेट्स सी नंबर 3। 18 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। मींस हमें अगर 18 को 3 के साथ डिवाइड करना है तो आंसर मिलेगा 6। हैंस 3 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 6 टाइम्स फ्रॉम 18। इसका मतलब ये है कि 18 में से हम 3 को 6 टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी नंबर 4। 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5। मतलब 20 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5। हैंस 4 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 20। मतलब के 4 20 में से 5 टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3। मतलब 21 को हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। हैंस 7 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 21। इसका मतलब है कि हम 7 को 3 टाइम 21 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस लिखेंगे पहले, फिर किसके साथ हमने डिवाइड किया है 21 को, 7 के साथ, वो लिखेंगे, फिर कैन बी सब्ट्रैक्टेड लिखेंगे, फिर 21 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर मिला, 3, तो वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे टाइम्स फ्रॉम किसको डिवाइड किया है, 21 को, तो वो लिखेंगे।
नंबर 6, 30 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5, मतलब 30 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5. हैंस 6 कैन बी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 30. इसका मतलब ये है कि हम 6 को 30 में से 5 टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द एम्प्टी स्पेस, मतलब जो एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है उसमें आंसर लिखना है. लेट्स सी नंबर 1, डैश डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 9. मतलब कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा. तो उसके लिए हम 7 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 7 9 से क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, 63, जो मैंने लिखा हुआ है, मतलब जहां पे बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है उसमें आंसर आएगा 63. मतलब के 63 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9. नंबर 2, 50 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 10. मतलब 50 को अगर 10 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5. मतलब के 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10. तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें मैंने पहले से ही आंसर लिखा हुआ है 5. लेट्स सी नंबर 3, डैश डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे हम 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 3 सा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 8 3 सा हो जाएगा 24. मतलब थर्ड में जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आंसर आएगा 24, जो मैंने पहले से लिखा हुआ है. नंबर 4, 64 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 8. मतलब 64 को अगर 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 8. तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आंसर आएगा 8, जो मैंने पहले से लिखा हुआ है. नंबर 5, डैश डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6. अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हमें क्या करना है? 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा. तो बताइए बच्चों, 6 6 से कितना होगा? यस, वेरी गुड, 36. मतलब जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आंसर लिखना है 36, जो मैंने लिखा हुआ है. नंबर 6, 49 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 7. तो अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हमें क्या करना है? जिसको डिवाइड करना है वो, और जो सामने आंसर दिया हुआ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो 49 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा बच्चों? यस, वेरी गुड, 7. लेकिन ये कैसे पता चला? इसके लिए हमें 7 के टेबल को रिसाइट करना जरूरी है. मतलब कि 49 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7, और बॉक्स में मैंने आंसर पहले से लिखा हुआ है. नंबर 7, 72 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू डैश. तो अभी हमें यहाँ पे 72 को 8 के साथ डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमें 8 का टेबल आना जरूरी है. तो बताइए बच्चों कि अगर 72 को 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यस, वेरी गुड, 9. तो आप देख सकते हो कि मैंने बॉक्स में 9 लिखा हुआ है. नंबर 8, 45 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे हम 45 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा. मीन्स कि यहाँ पे हमें 5 का टेबल डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो बताइए बच्चों कि 5 के टेबल में 45 कब आता है?
यस वेरी गुड, 5 9 45। तो जो बॉक्स है उस पे मैंने आंसर 9 लिखा हुआ है। नंबर 9 है 81 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम 81 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए 9 का टेबल आना ज़रूरी है। तो बताइए बच्चों कि 9 के टेबल में 81 कब आता है? वेरी गुड, 9 9 81। तो जो बॉक्स है उसमें क्या आंसर लिखेंगे? यस 9 जो मैंने लिखा हुआ है। नंबर 10 एंड लास्ट डैश डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 5। अब कि हमें कौन से नंबर को 8 के साथ डिवाइड करना है वो नंबर ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के राइट साइड में जो नंबर है उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 × 5 या तो 5 × 8। तो इजी रहेगा हमारे लिए 8 × 5। तो बताइए बच्चों 8 × 5 कितना होगा? यस वेरी गुड, 40 जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर 40 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट 2 वेरी वेल। थैंक यू।